मुझे बोलो जो बोलो यार, मेरी बीवी और मेरे बच्चे पे और मेरी फैमिली पे मजे यार, क्या बगाड़ा आप लोगों का उन्होंने? शाहरुख खान को किंग खान कहते हैं और राज भाई को लिंग खान। I know there's a lot of people that have faith in me and have faith in the system like I do as well. Chum ke niche rehna padega. Raj bhai bhi Elvis bhai ke fan ho rahe hain. Are Raj bhai se badhiya koi londo ki lulliyan hilwa sakta hai kya? So hey guys, it's me Dheeru. Monchik and aaj hum baat karne wale hain Salman Khan and Arjit Singh ke bare mein. In logo ke beech mein bahut saal pehle se jhagda hai aur recently Raj Kundra ki ek movie aane wali hai UT69. Yes, 69. But usse pehle jo sabse khatarnak news ke bare mein hum डिस्कस करेंगे वो है रिया चक्रवर्ती और तन्मय भट्ट के बारे में। तन्मय भट्ट को तो जानते होंगे, बाकी रिया चक्रवर्ती को जो नहीं जानते उन्हें मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी है और इसके ऊपर एलिगेशन थे ऐसे कि मतलब इसका हाथ है सुशांत की डेथ के पीछे। सो इंटरनेट पे जो एक वीडियो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है जिसमें रिया चक्रवर्ती तन्मय भट्ट के साथ दिखती है और पापाराजी लोग का ऐसा कहना है कि रिया चक्रवर्ती किसी को डेट कर रही है और उस बंदे का नाम है निखिल कामत। बट कामत तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तन्मय भाई दिख रहे हैं पूरी फॉर्म में वो भी। भाई देखो ऐसी कोई कंफर्मेशन है नहीं कि ये लोग डेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाय चांस अगर रिया चक्रवर्ती और तन्मय भट्ट सही में डेट करने लगे तो तन्मय भाई मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि घर के पंखे उतरवा देना प्लीज अपने सारे। वैसे कोई खास जरूरत है नहीं, रिया ने पहले ही अपना दिमाग चला लिया है, सोच समझ के इस बार बंदे को डेट कर रही है। बाय चांस अगर रिश्ता टूटे तो जरूरत आने पर पंखा भी टूट जाए। आज जश्न मनाए जाएंगे। मैं थप्पड़ मारूंगा, वहां के मारूंगा। देखो ये लोग डेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक कंफर्मेशन मेरे पास जरूर है कि रिया चक्रवर्ती जो है भट्ट से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। महेश दल्ले भाई मैं कोई हेटर वेटर नहीं हूँ यार तन्मय भाई का। मुझे तन्मय भाई के बारे में पता सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है? उनका कुत्ता। अरे ये नहीं, असली वाला यार, देखो ना कितना क्यूट है। मुझे गाली पड़ेंगी आज, मुझे पता है। बाकी यार सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिली अभी तक, क्या चल रहा है? कभी नहीं मिलती भाई इधर जस्टिस। सो यस, सलमान खान एंड अरिजीत सिंह, इन लोगों को नहीं पता इन लोगों का झगड़ा चलता था बहुत पहले, एक अवार्ड शो में इनकी थोड़ी सी बहस हो गई थी। अब लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे गाने बजते रहेंगे। इस अवार्ड शो में बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी हुई थी। पहले भाई जो अरिजीत सिंह पे गुस्सा हो लिए, उसके बाद अरिजीत सिंह के गाने के जो लिरिक्स थे जिन्होंने गाना लिखा था उनको भी अवार्ड मिला था। जब वो स्टेज पे आए तब तो और ज्यादा बकैती हुई थी भाई। अच्छा ठीक है, आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू, सभी दे रहे हैं जी। चल गया, मैं नहीं डरा सर। सलमान भाई यार हर कोई विवेक ओबरॉय नहीं होता है जो डर जाएगा। ओके ये सारी चीजें साइड हटाते हैं, बस मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे रहा था एक कि सलमान खान और अरिजीत सिंह की लड़ाई चल रही थी पिछले 9-10 साल से, बट फाइनली इन लोगों का एक गाना आया है। गाना ठीक ठाक है, लिरिक्स बहुत बुरे हैं उसके, बट गाने के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, वो है देख लो यार तुम खुद। आज जश्न मनाए जाएंगे। अरे सलमान भाई यार पिक्चर रिलीज तो होने देते पहले, क्रिटिक्स अपने आप लगा देते, ये तुमने सेट पे लगवाने का क्यों कष्ट करा? भाई जिंदे लोड़े खड़े करवा दिए इन्होंने सेट पे अपने, देख रहे तो सलमान भाई लोड़ों का के नाच रहे हो तुम। नाचो भाई, ये सेट कहीं करण जौहर ने तो डिजाइन नहीं करवाया। Guys, now we are coming to the main masala of the video, जो है राज कुंद्रा भाई। So basically इनकी एक पिक्चर आ रही है, वो वाली नहीं, वो वाली तो पता नहीं कितनी आ गई कितनी गई। जिन लोगों को बैक स्टोरी नहीं पता, राज कुंद्रा जो है मूवीज बनाता है बी ग्रेड टाइप की, उल्लू टीवी पे नहीं आती जैसी उस टाइप की, तो इस पे एक केस हुआ था पोर्नोग्राफी वगैरह को लेके, तो ये जेल के अंदर था बहुत टाइम तक। तो जेल के अंदर जो भी इसके साथ हुआ, जिस तरह की चीजें हुई उस टाइम पे जब इसके ऊपर केस चल रहे थे, उन सब चीज को मिक्स करके उन सब चीज से रिलेटेड इसने बनाई मूवी। अभी तुम्हारे दिमाग में शायद एक क्वेश्चन होगा कि इस तरह की मूवीज तो कितने लोग बनाते हैं, सबको जेल क्यों नहीं हो रही है? तो राज कुंद्रा की मूवीज की जो एक्ट्रेसेस होती थी उनका ये कहना था कि उन्हें बुलाया किसी और काम से रिलेटेड जाता था, जैसे कि वेब सीरीज में तुम्हें एक्ट करना है फिर ऐसा कुछ, बट बाद में ऐसे उल्टे सीधे सीन्स करवाए जाते थे। बाय द वे ये मेन चीज नहीं है, मेन चीज ये है कि किस तरह से राज कुंद्रा अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है मीडिया में जाके, वो बहुत ज्यादा फनी है। मुझे बोलो जो बोलो यार, मेरी बीवी और मेरे बच्चे पे और मेरी फैमिली पे मजे यार, क्या बगाड़ा आप लोगों का उन्होंने? राज भाई यार एक्टिंग तुम्हारी थोड़ी सी फीकी पड़ गई यहाँ भी, तुम्हारी पिक्चरों की तरह, बट यार एक्टिंग की डिमांड में कर भी किससे रहा हूँ, शिल्पा शेट्टी के पति से। और यूजुअली जब बंदा रोता तो भाई चश्मा पहन लेता है, यहाँ तो उतार के रोया जा रहा है जिससे मोटे मोटे आंसू साफ दिखे। ऑफ कोर्स द रिस्पांस एज आई सेड, यहाँ पे सब लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं, बाहर आए हैं सपोर्ट करने के लिए।
यस शाहरुख खान। एक बार एक बार एक बार और करते हैं भाई यार। मुट्ठल, ये मैं हूँ मुठबाजी का सरदार। शाहरुख खान को किंग खान कहते हैं और राज भाई को लिंग खान। नहीं नहीं, लिंग हिलवाने वाला इंसान। Do you really want him to take off the mask? या ऐसी बात करते हैं ना, ऐसी करते हैं ना, दो साल हो गए अब तो, हाँ तो उसके लिए हल्ला मचाना पड़ेगा ना थोड़ा सा। यार भाई हल्ला मचा तो रहो लेकिन थोड़ा कम, ज्यादा हल्ला नहीं, क्योंकि राज भाई को ज्यादा हल्ला सुनने के बाद ना कैमरा फोकस करने की आदत है, तो कैमरा तुम्हारी तरफ घुमा के फोकस ना करना शुरू कर दे ज्यादा हल्ला मचाने पे। राज भाई एक मिनट, भाई ये इतना पोलाइट क्यों हो रहा है, इतना अच्छे से क्यों बिहेव कर रहा है आज के साथ, इसे डर है भाई शायद ना कहीं इसकी वीडियो का लिंक वायरल ना करवा दे ये इसकी मम्मी का। नहीं 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 भाई, मम्मी राज कुंद्रा AKA द मास्क मैन इज हियर। मास्क मैन, हां भाई 200 रुपए का मास्क पहनने के बाद मास्क मैन बन जाते हैं, मास्क मैन। अरे बिच्छू, अगर इस तरीके का मास्क मैन एवेंजर में होता ना, थानोस दुनिया के दो टुकड़े करने से पहले इस मास्क मैन के दो टुकड़े कर देता। Ladies and gentlemen, Raj Kundra! अबे ये चेहरा देखने के बाद इतना एक्साइटेड कौन होता? भाई ये एक्साइटमेंट अगर शिल्पा का डांस देखने के बाद होती तो मुझे समझ में भी आता। शिल्पा का डांस, शिल्पा का डांस देखेंगे चलो। आए अंजलि, आ नाच ना मेरे साथ, चल झुमका मार अंजलि। सुनील पहले तुम मुझे ये बताओ, कल मास्क पहन के कुंद्रा की जगह तुम आए थे ना घर? आए अंजलि। मुझे तो पता ही था, भेड़ कह लो। भाई बीच में ऐसे रूमर्स आ गए थे कि राज कुंद्रा जो है कल कुछ और करता है, ये जो मीडिया में आता है ना ये कोई डुप्लीकेट है जो मास्क पहन के ऐसे आ जाता है। मास्क उतर गया भाई, मास्क उतर गया अभी। अरे राज भाई मास्क तो उतर गया, मैं ये कह रहा था जिस तरह तुमने मास्क उतारा अपनी पिक्चरों से थोड़ी अश्लीलता भी उतार दो, आधा देश का भला हो जाएगा। जो चीज अंकित भाई और अरविंद भाई मिलके नहीं कर पाए ना तुम चुटकियों में कर सकते हो, चुटकियों में। और भाई ये मूवी के पोस्टर में इसका फोटो देखो, इसे देख के भी ऐसा लग रहा वो कहना चाह रहा, अरे बहनचोद ये तो मजाक मस्ती में पिक्चर बनाई थी ना, इसे प्रमोट करने क्यों आ गया तू। पोस्टर को अगर गौर से देखोगे तुम तो एक चीज नोटिस करोगे, ऐसा चेहरा इंसान कब बनाता है जब उसे 10 दिन तक शिल्पा के साथ सोने नहीं मिलता। भाई ऐसा सही में होता है जेल में कि बहुत कंजेस्टेड एरिया में सोते हैं, तो ये कॉमन सी बात है यार, याद तो आ रही होगी भाई को अपने बड़े से बिस्तर, अच्छी सी बीवी की। गलत में मैं मत लेना यार तुम मेरे जोक को, ठीक है? Wear a mask and just cover up. I didn't want to be seen, I didn't want to be spotted. मुझे नहीं चाहिए थे फोटोज ये वो सब। अरे मुठबाजी के सरदार, तुझे अगर ये सब नहीं चाहिए तो भाई तू नॉर्मल बन के घूमता तो ज्यादा अच्छा होता, ये स्पाइडरमैन का फूफा बन के घूम रहा, लोग वैसे ही नोटिस करेंगे, जिन्हें नहीं करना था वो भी कर रहे थे, और दो चार बच्चे इसके साथ इसे पकड़ के फोटो और खींच लेते थे, इसको टॉम होलैंड समझ के। टॉम होलैंड। बट सडनली घर में तो हमारे एक स्टार है, सडनली मेरा मास भी स्टार बन गया। एक स्टार है भाई, कौन? अच्छा शिल्पा, अरे उसका तो युगा एल्बम आए हुए भी कई साल हो गए भाई, कहाँ को स्टार। शिल्पा भाभी अभी तो बस पार्ट टाइम इंडियाज गॉट टैलेंट में दिखती है, वो भी बादशाह और करण जौहर के अजीब से जोक्स पे हंसते हुए। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल दैट हैव फेथ इन मी एंड हैव फेथ इन इन द सिस्टम लाइक आई डू एज वेल। जम के नीचे रहना पड़ेगा। राज भाई भी एल्विस भाई के फैन हो रहे हैं। अरे राज भाई से बढ़िया कोई लोंडो की लुल्लियां हिलवा सकता है क्या? ए राज भाई मुठवा जी के सरदार। थैंकफुली मेरी पहली फिल्म है, सोलो हीरो मूवी है, एक ही हीरो है इस मूवी का। भाई यार ये आसपास वाले लोग हंस क्यों रहे हैं, वो भी इतना तेज। बाकी यार हीरो नहीं दिख रहा मुझे, किधर है तुम्हें दिख रहा क्या? और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, पापाराजी लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं? अबे जिम के बाहर कोई हीरोइन नहीं जा रही क्या? जाके उसका वीडियो बनाओ, यहाँ क्यों बैठे हो सबके सब? वो देखो मलाइका, मलाइका मैडम जा रही, मलाइका मैडम चलो कैमरे घुमाओ उधर को। बस गाइस बहुत दिखा दिया मैंने तुम्हें राज कुंद्रा यार, इतना तो लोग उसे आके थिएटर में नहीं देखेंगे जितना मैंने तुम्हें वीडियो में दिखा दिया अपनी। सो ठीक है गाइस, वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना, शेयर भी करना, प्लीज शेयर करना यार, नहीं तो रीच नहीं मिलेगी मुझे, और इस वीडियो को रीच मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है।